हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत करती हूँ। आज हम पनीर कोफ्ता बनाएंगे। पनीर कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले 250 ग्राम पनीर को कस लेंगे। पनीर कस चुका है, अब इसमें से थोड़ा सा पनीर एक प्लेट पर अलग से निकाल देंगे। अब एक उबले हुए आलू को कद्दूकस कर लेंगे। अब इसमें आधा कप मैदा डालेंगे और अच्छे से सभी को मिला लेंगे। आप मैदा की जगह बेसन भी डाल सकते हैं। अब जो पनीर हमने अलग से निकाला था उसकी फिलिंग बनाएंगे। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिला लेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिल चुकी हैं। अब इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। ज्यादा बड़ी नहीं, बस इसी साइज की बॉल्स बनाएंगे। सारी बॉल्स बन चुकी हैं। अब हम पनीर वाला डो लेंगे और बॉल की साइज से ज्यादा डो लेंगे, जिससे बॉल इसमें आसानी से फिट हो जाए। इस तरीके से पनीर को शेप देंगे और एक बॉल को उस पर रख कर उसे चारों तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे और इसे कोफ्ते की शेप देंगे। ध्यान रहे, कोफ्ते में एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए। हम इसे अच्छे से रोल करेंगे। कोफ्ता बन गया है, इसी तरीके से बाकी कोफ्ते भी बना लेंगे। सारे कोफ्ते बन चुके हैं। हमने पहले ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ध्यान रहे, तेल बहुत गर्म होना चाहिए। अब कोफ्ते को तेल में डाल देंगे और फ्राई करेंगे। अभी सिर्फ एक ही कोफ्ता डालेंगे और उसे ही फ्राई करेंगे। ये हल्का सा फ्राई हो गया है, अब इसमें बाकी कोफ्ते भी डाल देंगे। अगर हम पहले ही सारे कोफ्ते डाल देते तो कोफ्ते फट सकते थे। अब इन्हें फ्राई कर लेंगे।
देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी कोफ्ते भी फ्राई कर लेंगे। सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, अब हम टमाटो प्यूरी बनाएंगे। इसके लिए एक मिक्सी जार में 2 कटे हुए टमाटर, 1 कटा हुआ प्याज, 4 से 5 लहसुन की कलियां, कुछ कटा हुआ अदरक, दो कटी हुई हरी मिर्च और 1/4 कप मावा डालकर सभी को पीस लेंगे। टमाटो प्यूरी बनकर तैयार है, अब हम ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए एक पैन को गरम करेंगे और इसमें 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 लौंग डालकर थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच किचन किंग मसाला डालकर सभी को मिला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे इसे थोड़ी देर अच्छे से पकने देंगे जब तक ये हल्की गाढ़ी ना हो जाए। देखिए ये हल्की गाढ़ी हो गई है, अब इसमें 1/2 कप दूध डालकर मिला लेंगे। दूध डालने के बाद इसे 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। देखिए इसमें उबाल आ चुका है, अब इसमें नमक डालेंगे। ध्यान रहे हमें दूध डालने के बाद ही नमक डालना है, वरना दूध फट सकता है। अपने अकॉर्डिंग इसे गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिला लेंगे। देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, अब इसमें कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और गैस को बंद कर देंगे। हम कोफ्ते को ग्रेवी में नहीं डालेंगे क्योंकि कोफ्ते फट सकते हैं, इसलिए हम कोफ्ते के ऊपर ग्रेवी डालेंगे। अब एक प्लेट लेंगे और उस पर कुछ कोफ्ते रखेंगे। और ऊपर से ग्रेवी डालेंगे। पनीर कोफ्ता बनकर तैयार है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।